नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को चंडीगढ़ में स्टेट कंट्रोल रूम का अवलोकन किया और सी विजिल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली शिकायतों का जायजा लिया। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया कि वे सी विजिल मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पर की शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाईटेक स्टेट कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सोशल मीडिया, सी विजिल और प्रदेश भर में चालू नाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि विधानसभा आम चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी तुरंत मिल सके और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने बताया कि इस कंट्रोल रूम में सी विजिल पर आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है और आयोग के निर्देशानुसार 100 मिनटों में शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज तक सी विजिल पर 870 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 862 का निवारण हो चुका है और आज तक कैथल से भी सबसे ज़्यादा शिकायतें सी विजिल पर प्राप्त हुई हैं, जो कुल शिकायतों का 25% है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ये एक कंट्रोल रूम बनाया है और जैसा आप देख सकते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और अनेक छोटे छोटे स्क्रीन लगाए गए हैं और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सी विजिल में आने वाली सभी कंप्लेंट्स और उन कंप्लेंट्स को अटेंड करने वाली जो टीम्स हैं पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं पर हैं, उनकी लोकेशन जीपीएस के माध्यम से दिखाई देती है और जो कंप्लेनेंट है उसकी भी कंप्लेंट की लोकेशन भी जीपीएस के माध्यम से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से कंप्लेंट पर कार्रवाई करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट ढंग से हम अपनी टीम को वहाँ पर भेजते हैं और अब तक 870 कंप्लेंट आई हैं और जिनमें से 862 का निराकरण हो गया है और उनमें से 661 कंप्लेंट सही पाई गई हैं, मतलब लोगों ने सही कंप्लेंट की और कंप्लेंट के ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से कि वो सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें और जहाँ कहीं पर भी उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन मिलता है, जहाँ कहीं पर भी कोई पैसे का, शराब का, ड्रग्स का या किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन देता हुआ कोई व्यक्ति दिखता है, तो उसकी सिर्फ फ़ोटो खींचकर, वीडियो लेकर आपने अपलोड करनी है और चुनाव की टीम 100 मिनट तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँचकर कार्रवाई करेगी। और इस कंट्रोल रूम में सोशल मीडिया की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, जो फेसबुक पर, जो ट्विटर पे, जो भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं उन टिप्पणी का यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्मचारी अधिकारी, वो निरंतर उन पर निगाह रख रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और तीसरा, यहाँ पर सुविधा एक ऐप है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स की मदद के लिए बनाया गया है और उस ऐप के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं, चाहे उनको लाउड स्पीकर की परमिशन हो, चाहे उनको गाड़ी की परमिशन हो, चाहे उनको रैली की परमिशन हो। तो हम राज्य स्तर पर यहाँ पर मॉनिटर करते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस आई थी और कितनी एप्लीकेशंस डिस्पोज ऑफ हो गई और किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर स्थान पर रैली के लिए पहले अप्लाई करती है, ऑनलाइन है पूरा सिस्टम, उसकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। और चुनाव के दौरान तकरीबन 1800 से 2000 बूथों पर हम वेबकैम लगाएंगे, लाइव
उनका टेलीकास्ट होगा, वो भी इस कंट्रोल रूम में बैठकर हम उनको भी देख पाएंगे कि वो 1800 पोलिंग स्टेशंस में क्या कार्रवाई चल रही है और पोलिंग शांतिपूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। और ये इस प्रकार का कंट्रोल रूम पहली बार बनाया गया और मैं अपने चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत छोटे से समय में और मीनिंगफुल ढंग से इस काम को उन्होंने अंजाम दिया है। उम्मीद है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण होंगे और चुनाव आयोग के और हरियाणा चुनाव कार्यालय की पैनी नज़र उन पर बनी हुई है।